सब्सक्राइब कीजिए टेक स्ट्रीमर यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आपका टेक स्ट्रीमर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर एक प्योर iOS 13 को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं iOS 13 के, पूरा एग्जैक्टली सेम इंटरफेस मिल जाता है, सेम एनिमेशंस मिल जाते हैं, एक फुल्ली फंक्शनल कंट्रोल सेंटर मिल जाता है और साथ में आपको 3D टच जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को एक आईफोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, iOS 13 को डाल सकते हैं अपने फ़ोन के ऊपर, इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। एंड उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर से कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए आप चले जाइए प्ले स्टोर के ऊपर एंड यहाँ पर जा कर के आपको सर्च करना है iOS 13 लॉन्चर। दोस्तों, इतना लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे आप देखेंगे कि जो पहला आपके पास एप्लीकेशन आता है सर्च रिजल्ट में, इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन है दोस्तों, एंड इसको काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स मिले हैं। साथ में इसमें 10 मिलियंस प्लस डाउनलोड गए हैं इस एप्लीकेशन के, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमारा एप्लीकेशन अब डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है आप सिंपली उसको ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले आपसे जो भी परमिशंस मांगे जाएं उन सबको आप अलाउ कर दीजिए, और इसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं। तो एक एक करके सारे सेटिंग्स को यहाँ पे देखेंगे। इसके पहले आप यहाँ पे एक मेन्यू मिल जाता है, उसको ओपन कीजिए और रीलोड लॉन्चर का एक ऑप्शन आता है, उस पर टैप करके ओके कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑलवेज पर टैप करना है और यहाँ से आपका लॉन्चर स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आपका iOS 13 का लॉन्चर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब सबसे पहले अपने आइकन्स को आपको अरेंज कर लेना है और भी कई सारे आपको चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले मैं सारे आइकन्स को ठीक से अरेंज कर लेता हूँ अपने हिसाब से, आप भी वैसा ही कर लीजिए। आइकन्स को अरेंज करने के लिए आपको यहाँ पर आइकन्स के ऊपर टैप करके होल्ड करना है, और उसके बाद आपको जहाँ पर भी आइकन्स अरेंज करना है उसको आप अरेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आइकन पूरी तरीके से अरेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि आपको पूरा एग्जैक्टली सेम टू सेम iOS 13 का लुक आपको मिलने लगा होगा अपने फ़ोन के ऊपर। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले वॉलपेपर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वॉलपेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम iOS 13 लॉन्चर चूज़ करेंगे तो हमें कई सारे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे वॉलपेपर हैं जो कि आपको आईफोन के ऊपर मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको आईफोन 10 और आईफोन 11 दोनों के वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, तो आपको जो भी चाहिए उसके ऊपर टैप कीजिए। और यहाँ पे सेट करने के लिए सिंपली ओके के ऊपर टैप कीजिए और आपका वॉलपेपर यहाँ से सेट हो जाता है। तो मैंने आईफोन 10 का यहाँ पर वॉलपेपर सेट कर दिया है, और अब आप देख ही सकते हैं आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम आईफोन का यहाँ पर इंटरफेस मिल रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सारे एनिमेशंस जो भी मिलते हैं ना, वो भी बिल्कुल आईफोन वाले मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऐप हमारा जो ओपन होता है, यहाँ पे भी सारे एनिमेशंस बिल्कुल स्मूथ एंड बटरी हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आईफोन का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अब आपको कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको टच करके होल्ड करना है और फिर सेटिंग्स के ऊपर टैप करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके कोई आइकन्स चेंज नहीं होते हैं, कुछ आइकन्स ऐसे होते हैं जिनका जो आइकन होता है वो चेंज नहीं होता है, तो उसको आप यहाँ पे से जाकर चेंज कर सकते हैं। तो इस जगह पे दोस्तों चेंज आइकन का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, उसके ऊपर टैप कीजिए और यहाँ से जो भी आइकन्स आपके चेंज नहीं हुए हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मेरे तो सारे आइकन्स चेंज हो चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप आइकन्स के नेम को भी चेंज कर सकते हैं, ये भी फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अब बात आती है कंट्रोल सेंटर की, क्योंकि हमारे पास अभी भी वो पुराना वाला कंट्रोल सेंटर है, तो उसको कैसे लगाना है ये देख लेते हैं। इसके लिए भी आपको सिंपली सेटिंग्स में चले जाना है एंड यहाँ पे ऊपर में आपको एक कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर टैप कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर के लिए एक अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है,
तो यहाँ पे ओके पे टैप करते ही आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे जा करके आपको ये छोटा सा एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो एप्लीकेशन जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है उसको सिंपली ओपन कर दीजिए आप। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको एक परमिशन इसको अलाउ करना होता है, तो इस परमिशन को आप अलाउ कर दीजिए और इसके बाद आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। कुछ भी एड्स वगैरह आए तो उसको आप सिंपली क्लोज कर दीजिए क्योंकि कुछ एड्स आते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले ऊपर में जो आपको ग्रीन स्विच दिख रहा है बड़ा जैसा, उसको आपको टैप करके इनेबल कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनको आपको थोड़ा सेटिंग्स में चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों पोजीशन यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट या बॉटम कहीं पे भी आप कंट्रोल सेंटर को लगा सकते हैं। तो ये जो नीचे में हमें ग्रीन कलर का बार दिख रहा है यही कंट्रोल सेंटर है हमारा, और इस बार को भी आप हाइड कर सकते हैं। आपको सिंपली इस वाले बटन को, इस वाले स्विच को पूरा आगे तक लेकर जाना है और आपका वो वाला बार हाइड हो जाता है। तो अब दोस्तों आपका कंट्रोल सेंटर भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको कंट्रोल सेंटर ओपन करके। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सिंपली स्लाइड अप करना है और एक हल्के से वाइब्रेशन के साथ आपका कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाता है। तो ये जो कंट्रोल सेंटर है दोस्तों एक फुली फंक्शनल कंट्रोल सेंटर है जहाँ पे आप सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम यूज़ करने के टाइम दोस्तों आपको कुछ परमिशंस अलाउ करने पड़ते हैं, तो उन सारे परमिशंस को आप अलाउ कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट, म्यूजिक, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको iOS 13 के सेटिंग के अंदर लॉक स्क्रीन और असिस्टिव टच का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप चाहें तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी आपको एक छोटे से अलग से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज़ करना पड़ेगा और वो सारे फीचर्स भी कमाल के होते हैं, तो आप चाहें तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों iOS 13 लॉन्चर के अंदर सेटिंग्स के अंदर आपको और भी कई फीचर्स मिल जाते हैं। आप एनिमेशंस को चेंज कर सकते हैं, आइकन्स के नेम को चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, तो इस तरीके के कई सारे आपको फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ओवरऑल सारी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिर कर सकते हैं। तो अब आपका ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और यहाँ पे आपको एक एग्जैक्टली iOS का एक्सपीरियंस मिल जाता है। और अगर कोई बंदा आपको दूर से देखता है आपके फ़ोन को यूज़ करते हुए, तो वो बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा कि आप एक एंड्रॉयड डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों आईफोन्स की स्पेशलिटी होती है कि उनका जो इंटरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, और ऐप स्विच अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगता है। तो आपको एग्जैक्टली सेम इंटरफेस, सेम फीचर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, और जो एनिमेशंस दिए गए हैं इस एप्लीकेशन के वो भी बिल्कुल सेम टू सेम आईफोन स्टाइल वाले हैं। दोस्तों आप अपने फ़ोन के सॉफ्ट कीज को हटा सकते हैं सेटिंग्स में जा करके और जेस्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका यूज़र एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप आसानी से अपने फ़ोन के ऊपर iOS 13 जैसे लॉन्चर को इंस्टॉल करके एग्जैक्टली आईफोन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अगली बार आपसे किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।